हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कक्षा 8 के 7 पाठों का अध्ययन इस चैनल पर कर चुके हैं। आज हम कक्षा 8 का 8वां पाठ होगा अपना, यह सबसे कठिन समय नहीं। यह क्या है विद्यार्थियों, यह एक कविता है जिसके जो रचयिता हैं, जो कवयित्री हैं, वो जया जावदानी जी हैं, जया जादवानी जी, जो बहुत ही फेमस कवयित्री रही हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ एक बार, जया जादवानी, याद रखना आप लोगों को इसका, क्योंकि कभी कभी कवयित्री से और कवि उसका नाम पूछ लिया जा सकता है। तो जया जादवानी जी जो हैं इसकी लेखिका हैं। इससे पहले विद्यार्थियों जो है, मैं आप लोगों को कविता और कहानी दोनों का अध्ययन करवा चुकी हूँ। तो आइए, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम प्रारंभ कर लेते हैं कविता का। तो कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कठिन का अर्थ यहाँ पे पता होना चाहिए। कठिन का अर्थ क्या होता है? मुश्किल, ठीक है। इस कविता के मैं शब्द अर्थ पहले नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे शब्द अर्थ नहीं है। जया जादवानी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में ये कविता लिखी है कि जो आप पढ़ोगे तो आपको साथ ही साथ उनके अर्थ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और जया जादवानी जी जो है मध्य प्रदेश की कवयित्री हैं, ये लेखिका हैं, और जो है इन्होंने एक आशावादी दृष्टिकोण इस कविता में अपना दर्शाया है कि उन्होंने बताया है इस कविता में कि व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, या फिर ये जो समय है ये निराश होने का नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे प्रयत्न करके, प्रयत्न मतलब अपना मेहनत करके अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर बढ़ने का ये समय है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है। कौन सा सबसे कठिन समय नहीं है, इस समय के बारे में यहाँ पर कवयित्री बताएंगी कि कौन सा समय। सबसे पहले तो बात आती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, कौन से समय की यहाँ पर बात हो रही है और कौन सा समय मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको इसका शॉर्ट में बता देती हूँ। लेखिका ने यहाँ पर बताया है, जब व्यक्ति निराश हो जाता है, जैसे आप लोग भी अपने जीवन में कभी कभी आप लोगों को बोरियत लगती होगी पढ़ने, जब आप पढ़ते होंगे तो लगता होगा कब ये पढ़ाई ख़त्म होगी, पता नहीं कब जीवन का हम आनंद ले पाएंगे, या फिर जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो सबको ये लग रहा होगा कब ये कोरोना समाप्त होगा, तो कब हम घरों से बाहर निकलेंगे या स्कूल में जाएंगे, अपने प्रिय मित्रों से मिलेंगे। तो ये जो समय है हमारे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन जो हमारी कवयित्री हैं जया जादवानी जी, ये इस समय को कठिन नहीं मानती हैं। क्यों कठिन नहीं मानती हैं ये समय को, यही हम इस कविता में पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे तर्क दिए कि ये समय कठिन क्यों नहीं है, तो हम उन तर्कों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाऊंगी। ये आप लोगों को चित्र दिख रहा होगा जो अपनी NCERT में दिया हुआ है। यहाँ पर ये कौन है, एक छोटी सी चिड़िया है जिसके मुँह में क्या है, एक तिनका है। यहाँ पर एक शब्द आया है तिनका। बच्चों, आपने कक्षा 7 में भी कविता पढ़ी होगी एक तिनका, ठीक है। तो तिनका क्या होता है, छोटी सी घास का एक टुकड़ा होता है जिससे जो है चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं। तो यहाँ पे ये देखो, छोटा एक आपको दिख रही होगी चिड़िया जिसके मुंह में क्या है, एक तिनका है, और इस तिनके से वो क्या बनाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। यह सबसे कठिन समय नहीं है। देखिए, पहले हम इन्हीं पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। व्यक्ति जब निराश हो जाता है तो उस समय को जया जादवानी जी बता रही हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, यानी कि यह मुश्किल समय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, क्योंकि अभी भी जो चिड़िया है उसके मुंह में क्या है, घास का एक छोटा सा टुकड़ा है। क्यों है, क्योंकि अभी भी उसका एक आशावादी दृष्टिकोण है, अभी भी वो घोंसला बनाना चाहती है, अभी भी उसने आशा नहीं छोड़ी है, और वह उड़ने की तैयारी में है, और क्या है, वो उस घोंसला बनाने के बाद और भी तिनका लेने के लिए वो क्या है, उड़ जाना चाहती है, स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहती है। फिर अपना तिनके इकट्ठे कर करके लाती है, घास के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके लाती है, और उनसे अपना घोंसला वो बनाती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब बहुत बारिश होती है या आंधी तूफान आता है तो चिड़िया के घोंसले हमेशा टूट जाते हैं, नेस्ट जिसको हम बोलते हैं, या जहाँ पर चिड़िया रहती है, जहाँ चिड़िया अपने बच्चों को पैदा भी करती है, छोटे छोटे बच्चे
चिड़िया के बच्चे शुरुआत में घोंसले में रहते हैं तो वो सब टूट जाते हैं, लेकिन चिड़िया कभी भी जीवन जीना नहीं छोड़ती, कभी भी वो अपना कार्य करना कभी भी बंद नहीं करती, वो कभी भी तिनके इकट्ठा करना कभी भी बंद नहीं करती, वो हमेशा मुश्किल परिस्थिति में भी तिनका तिनका इकट्ठा करके लाती है, फिर से अपना घर बनाती है और अपने कार्य को निरंतर रूप से करती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लेखिका हमें समझाना चाहती है बच्चों कि हमें भी कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कुछ तनाव है, अवसाद है या हमारा मन नहीं लग रहा है तो उस समय में हमें नई नई चीज़ों का अन्वेषण करना चाहिए, उस समय में हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगली पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। और अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी भी झड़ती, झड़ती मतलब गिरना, पत्ती तो आप समझ ही गए होंगे, पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है लीव्स जिनको बोला जाता है, कि अभी भी पेड़ों से क्या है पत्तियाँ गिर रही हैं, लेकिन उन पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए भी एक हाथ मतलब कोई ना कोई बैठा है। अर्थात आप लोगों ने जब भी देखा होगा कि जब आप निराश होते हैं तो आपके माता पिता या फिर आपके गुरुजन या फिर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड जो आपके बहुत ही अच्छे गहरे मित्र होते हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, वो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको आगे जाना है, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों से आपको निराश नहीं होना है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से पेड़ों से पत्तियाँ गिरती हैं उन्हें थामने को मतलब पत्तियों को रोकने के लिए कोई ना कोई हमेशा होता है, यानी पेड़ों से पत्तियाँ गिर जाती है लेकिन फिर से कोई पेड़ उगाने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ पर धरती पर फिर से कोई ना कोई पैदा हो जाता है, फिर से पेड़ लगते हैं, फिर से उन पर पत्तियाँ आती हैं। तो जिस प्रकार से पेड़ अपने कार्य नहीं छोड़ते उसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य मतलब जो मंजिल होती है, जिस प्रकार रेलगाड़ी आप लोगों ने ट्रेन में बहुत बार अपनी टिकट बुक करवाई होगी, एक स्थान से जब आपको दूसरे स्थान पर पहुंचना होता है तो आपको कौन पहुंचाती है, रेलगाड़ी, यानी आपको ट्रेन पहुंचाने का कार्य करती है। और आपने देखा होगा स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो जिस प्रकार से रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपकी मंजिल तक पहुँचा देती है, उसी प्रकार से अभी भी आपके लिए जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा होता है यहाँ पे इंतज़ार, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है ये प्रतीक्षा का अर्थ क्या होगा, इंतज़ार होगा, कि जिस प्रकार जो है रेलगाड़ी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गंतव्य मतलब जहाँ उसको जाना रहता है वहाँ तक पहुँचा देती है, उसी प्रकार से आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपके साथ भी कोई जीवन में कई व्यक्ति आपके साथ खड़े होंगे। आप लोगों ने बहुत बार पहचाना होगा, कई बार व्यक्ति पहचानते नहीं हैं लेकिन कोई ना कोई हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ मिलता है। अगली पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि दिन भर आपके माता पिता, जैसे आपकी माँ यदि हाउस वाइफ हैं लेकिन पिता जॉब पर काम करते हैं, तो जैसे क्या होता है कि पिता जो है दिन भर ड्यूटी पर होते हैं या जॉब पर होते हैं, माना कि माता भी जॉब पर होती हैं और आप स्कूल में होते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, सूरज डूबने का मतलब जैसे ही शाम होने लगती है, 4-5 बजने लगते हैं, तो हमारे सारे परिवार के जितने भी मेंबर होते हैं धीरे धीरे एक एक व्यक्ति करके सब लोग क्या होते हैं घरों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है, कवियत्री क्या कह रही है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा कि आपका इंतज़ार करने वाला अभी भी कोई ना कोई बैठा है, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, कि कोई व्यक्ति आपके घर में आपका इंतज़ार करने वाला अभी भी कोई है जो ये कह रहा है कि सूरज डूबने से यानी कि अंधेरा होने से पहले पहले आप वापस घर पे आ जाओ। उसी प्रकार से बच्चों आपकी मंजिल भी आपका इंतज़ार कर रही है कि जब आप पढ़ लिख कर बड़े होंगे तो आपका जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो आपका हमेशा इंतज़ार करते हैं। आपको उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको एक रास्ता तय करना पड़ेगा जो आपके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता, तो वो मंजिल हमेशा आपका इंतज़ार करती है बच्चों। तो यहाँ पर कवियत्री जी यही समझाना चाहती हैं।
अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपने नाना नानी के घर जाते होंगे जब आप छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे, जब आप फर्स्ट या सेकंड क्लास में होंगे तो देखा होगा आपने, या तो आपकी माताजी या आपकी दादी या फिर आपकी नानी, इनमें से कोई ना कोई आपको कोई ना कोई कहानियाँ ज़रूर सुनाता होगा। जैसे मैंने भी अपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ अपनी माताजी से सुनी हैं, अपनी नानी जी से भी सुनी हैं, तो आप लोगों ने भी सुनी होंगी। तो यहाँ कवियत्री क्या कहना चाहती है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा, कथा यहाँ पे किसको कहा गया है, बूढ़ी नानी की या बूढ़ी दादी की कहानी को कहा होगा कि आखिरी हिस्सा, भले ही उनकी कहानियाँ आज भी ख़त्म नहीं हुई हैं, वो दादी वो बूढ़ी नानी आज भी कहानियाँ सुनाने के लिए बैठी हुई हैं, यानी कि उनकी कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो अपने बच्चों को रिझाने के लिए हमेशा कोई ना कोई नई कहानी लेकर आ जाती हैं दुनिया के तमाम बच्चों को। ठीक है, तमाम मतलब बहुत सारे बच्चों को, जो नानी होती हैं या जो दादी होती हैं उनकी कहानियाँ कभी भी समाप्त नहीं होती। तो जब बूढ़ी नानी या दादी की कहानियाँ कभी समाप्त नहीं हो सकती तो हमारे लक्ष्य कैसे समाप्त हो सकते हैं, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें भी निरंतर प्रयास करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी आती है एक बस, यहाँ पर एक बस का वर्णन कवियत्री द्वारा किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने कल्पना चावला का नाम सुना होगा, जब कल्पना चावला जो है गई थी चांद पर, मतलब कि कुछ अपने नासा के द्वारा जब उनको भेजा गया था, कल्पना चावला अपने भारतीय वैज्ञानिक रही हैं बहुत ही प्रसिद्ध, तो पूरी दुनिया ये आस लगाकर बैठी हुई थी कि जब वो वापस आएंगी कल्पना चावला तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अंतरिक्ष की हमें ज्ञान करवाएंगी। तो आपने देखा होगा, लेकिन होता क्या है कि उनका जो जिस साधन से वो वापस आ रही थी वो रास्ते में ही बिल्कुल जल गया था, विनाश हो गया था उसका, तो वो जिंदा अपनी धरती पर वापस नहीं आ पाई थी और उनका वो जो है वीरगति को प्राप्त हो गई थी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उनके बाद भी बहुत लोग अंतरिक्ष में गए हैं और उन्होंने उस कार्य को पूरा किया है जो कल्पना चावला अधूरा छोड़ गई थी। वो चांद पर जो है पानी की खोज के संदर्भ में गई थी लेकिन वो उस कार्य को नहीं पूरा कर पाई। यहाँ पर लेखिका, यहाँ पर कवियत्री क्या कह रही है, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में, मतलब एक यहाँ पर एक ऐसी बस का वर्णन कर रही है कवियत्री जो कि अंतरिक्ष के, मतलब कि जो अंतरिक्ष में कुछ लोग जाते हैं, एक ऐसी बस बनाई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। हम उनको बस तो नहीं कह सकते लेकिन वो बस की तरह ही है, जैसे आप लोगों ने प्लेन देखा होगा बस की तरह ही होते हैं, उसमें क्या होती है ऑक्सीजन होती है और वैज्ञानिकों के लिए खाने के लिए फूड होता है और भी जो जो अंतरिक्ष में नहीं हो सकता या वहाँ से नहीं लिया जा सकता, सारी सुविधाएँ उस बस में या उस प्लेन में प्रोवाइड करवाई जाती है और बहुत सारी आशाओं के साथ उस बस को भेजा जाता है अंतरिक्ष में ताकि ये अंतरिक्ष की कुछ खोज करके लाए। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जब जैसे चांद हो गए या फिर अंतरिक्ष मतलब जब आसमान में जाते हैं, आसमान में भी वायुमंडल हो गए, वायुमंडल हो गए, इन सारी चीज़ों के बारे में जब जो है ज्ञान प्राप्त करके लाते हैं। तो प्लेन में बहुत सारे वैज्ञानिक जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, यहाँ पर कवियत्री ने बोला है कि बचे हुए लोगों की खबर, इसका मतलब उस प्लेन में कुछ ही लोग बचे हैं, सभी लोग नहीं बच पाए। अर्थात क्या कह रही है कवियत्री कि जैसे कभी कभी क्या होता है जब प्लेन वापस आ रहा होता है तो वो रास्ते में ही अपना रास्ता भटक जाता है या फिर उसमें आग लग जाती है तो बहुत सारे वैज्ञानिक अपनी धरती पर नहीं लौट पाते, जिस प्रकार से कल्पना चावला भी नहीं लौट पाई थी, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक या फिर धरती पर जो लोग हैं वो कभी भी निराश नहीं होते, कभी भी ये नहीं सोचते कि अब इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, बल्कि क्या सोचते हैं जो बाकी के लोग हैं, जो प्लेन में बाकी के लोग हैं वो तो बचे हुए होंगे, उनकी तो ज़िंदगी अभी नहीं गई होगी, कम से कम वो हमें बताएंगे कि अंतरिक्ष में उन्होंने क्या देखा। तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, यहाँ पर ये अंतरिक्ष के पार की दुनिया में मतलब जो अंतरिक्ष में है, जो ब्रह्मांड में है, ठीक है, जो इस ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है, ब्रह्मांड कैसा है, वहाँ पर पानी है कि नहीं, जीवन जीने योग्य वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं कि नहीं, तो वहाँ उनकी खबर कौन देगा, जो प्लेन में बाकी के वैज्ञानिक
बच गए हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, तो आप इस समय को सबसे कठिन समय मत मानो। बच्चों, मैं आप लोगों को यह, हमें आज वर्तमान में यानी लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम लोग घरों पे कैद हो गए, हमारा खेलना कूदना बंद हो गया। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी इसी संदर्भ में। जब न्यूटन थे, आप लोगों ने न्यूटन का नाम सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो न्यूटन थे। उन्होंने जब अकेले रहना शुरू किया था, उन्होंने ऐसी एक परिस्थितियाँ हो गई थी कि सभी ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था, तो और वो केवल अपने घर में ही कैद हो गए थे। उस समय उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का, जैसे उन्होंने ग्रेविटी फोर्स बोला था, उन्होंने अपने सामने एक सेब गिरते हुए देखा था और फिर उसको सोचा था कि ये सेब केवल धरती पर वापस क्यों आया, केवल ज़मीन पर क्यों आया, ये ऊपर में ब्रह्मांड में क्यों नहीं गया। और उन्होंने इतना ज़्यादा सोचा, इससे पहले भी सेब गिरते रहे होंगे धरती पर, लेकिन इससे पहले जो है न्यूटन का कभी ध्यान नहीं गया, क्योंकि इससे पहले वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। जब वो जीवन में अकेले हुए, जब वो अपने घर में कैद हो गए, उनसे कोई बातचीत करने वाला नहीं रहा, तब उनके नई नई वैज्ञानिक खोजें निकल कर आई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग भी लॉकडाउन के समय को ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, अपनी कौशलता, अपने टैलेंट को ये दिखाने का सबसे ज़्यादा समय है। आप नई नई चीज़ें करें और अपने जीवन में कभी भी निराश ना हो, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी कुछ भी कमी रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो है व्याकरण खंड भी एक अलग से कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।